नमस्कार, मैं हूं अंजलि मुदगल। दिल्ली में किसानों का आंदोलन अलग थलग हो गया है। आपको बता दें कि इस आंदोलन से कई किसान नेताओं की तरफ से खुद को अलग कर लिया गया है। आजकल हम अखबार उठाकर देखें या फिर समाचार सुनने के लिए टीवी खोलें, एक नाम जो आजकल बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है वो है किसान नेता राकेश टिकैत का। आंदोलन से पहले बयान दिया गया राकेश टिकैत की तरफ से कि हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचो, और इसके बाद लगातार राकेश टिकैत सुर्खियों में है। आखिर राकेश टिकैत हैं कौन, इतना ज्यादा सुर्खियों में वो आजकल कैसे हैं, कहां से उन्होंने शुरुआत की, इस वीडियो में आपको इसी सब के बारे में बताएंगे। राकेश बड़े किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे बेटे हैं। राकेश टिकैत की तरफ से दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर किसानों के हक की लड़ाई में हिस्सा लिया, और मेरठ यूनिवर्सिटी से LLB हैं राकेश टिकैत। उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद दिल्ली पुलिस में उनकी नौकरी लगती है, लेकिन किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी को भी दरकिनार कर दिया और किसानों के लिए आगे लड़ने के लिए वो सामने आए, और तभी से इस पूरे वाक्य की शुरुआत हुई। राकेश टिकैत तब से ही किसानों से लगातार जुड़े हुए हैं और किसान नेताओं के हक की जो आवाज़ है, किसानों के हक की जो आवाज़ है उसे उठाते रहे हैं। 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर में जन्मे राकेश टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी करते थे, लेकिन 1993 से 1944 में पुलिस की नौकरी छोड़कर राकेश ने भारतीय किसान यूनियन के साथ किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू किया। पिता महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाल ली। एक बेटे और दो बेटियों के पिता राकेश टिकैत की शादी साल 1985 में बागपत के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी। 1985 में ही राकेश दिल्ली पुलिस में SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे। राकेश टिकैत सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, दो बार उनकी तरफ से राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया गया। एक बार 2007 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त भी राकेश टिकैत की तरफ से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई गई थी, लेकिन दोनों ही बार राकेश टिकैत को जीत हासिल नहीं हुई, दोनों ही बार चुनाव वो हार गए। किसानों की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत 44 बार जेल भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक समय किसान के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली में संसद भवन के बाहर किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। राजस्थान में भी किसानों के हित में उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस वजह से उन्हें जयपुर जेल में जाना पड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो आजकल जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। दरअसल 26 तारीख को दिल्ली में हुए किसान आंदोलन से पहले राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान दिया गया। किसान आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों को उन्होंने कहा था कि किसान जो हैं वो ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे और साथ में लाठी डंडे भी अपने साथ लाएं। ये वीडियो अब वायरल तेजी के साथ हो रहा है, और दिल्ली पुलिस की तरफ से कई अलग अलग धाराओं में राकेश टिकैत के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। FIR राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज हुई है। साफ है, जाहिर है इसके बाद कि आगे आने वाले दिनों में राकेश टिकैत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से पूरे किसान आंदोलन के दौरान उनकी तरफ से बयानबाजी की गई, मुश्किलें जरूर राकेश टिकैत की अब बढ़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।